वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट सोनोमीटर। ये हमारा सोनोमीटर का सेटअप है। ये आप देख सकते हैं कि ये सोनोमीटर बॉक्स है। ये जो है ये स्लाइडिंग ब्रिज है, इस तरह से हम इन्हें स्लाइड कर सकते हैं। ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है, ये स्टैंड है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, और जो हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं वो 12 वोल्ट का यूज कर रहे हैं, और ये टू वे की है। हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वेट्स भी रखे हुए हैं 500 ग्राम्स के, और इस सोनोमीटर बॉक्स के थ्रू ये जो सोनोमीटर वायर जो जा रही है वो उसे एक हैंगर लटक रहा है। इस हैंगर का जो मास है वो 400 ग्राम्स है। ये जो सोनोमीटर वायर है ये नॉन मैग्नेटिक वायर है, तो हमने यहाँ पे कॉपर वायर यूज करी है। हमारा यहाँ पे एम है टू फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स यूजिंग सोनोमीटर। हम एसी मेन्स की फ्रिक्वेंसी कैसे मैच करेंगे कि जब हम यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के थ्रू एसी सप्लाई फ्लो करवाएंगे इस वायर पे, हम सबसे पहले तो इस टू वे की से इस की पर रख देंगे ताकि सर्किट पास हो सके, सर्किट को ऑन कर देंगे। उसके बाद जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं तो वहां पे एक फोर्स लगती है, उस फोर्स के कारण जो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जो इस वायर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, जैसे जैसे हम यू लेंथ वेरी कराएंगे ब्रिज को, अगर हम ऐसे स्लाइड करेंगे दोनों ब्रिजेस को साइमल्टेनियसली, तो इसकी जो है वायर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज होती चली जाएगी लेंथ के अकॉर्डिंगली। तो जिस फ्रिक्वेंसी जिस लेंथ पे उसकी फ्रिक्वेंसी में वायर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी एसी की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी वहां पे रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के कारण इसके वाइब्रेशंस जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो करेंगे। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब शो करेंगे तो उस टाइम हम ये ऐसा राइडर यूज करेंगे पेपर का, पेपर राइडर, उस मैक्सिमम वाइब्रेशन पे ये जो है पेपर राइडर यहाँ से गिर जाएगा। तो तब हम ये लेंथ नोट कर लेंगे और इस वायर की इस लेंथ की फ्रिक्वेंसी हम निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो वो जो फ्रिक्वेंसी आएगी वही एसी मेंस की फ्रिक्वेंसी होगी। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक रीडिंग लेके दिखा देते हैं आपको। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मैग्नेट जो हो वो इन दोनों स्लाइडिंग ब्रिज के बीच में ही रहे। तो अब ये मैं सबसे पहले यहाँ पे सर्किट ऑन कर रहा हूँ, करंट फ्लो कर रहा है। अभी हमारा जो वेट है वो सिर्फ 400 ग्राम्स है, तो 400 ग्राम्स के लिए हम देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी आ रही। तो अभी ये वाइब्रेट नहीं कर रही, हमें साइमल्टेनियसली धीरे धीरे इन्हें मूव पर आना होगा। आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े वाइब्रेट कर रही है, लेकिन ये मैक्सिमम वाइब्रेट नहीं कर रही। चलिए मैक्सिमम वाइब्रेट करेगी तब ये जो है स्लाइडर इस वाली लेंथ पे जो है ये मैक्सिमम वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये तो हम ये वाली लेंथ नोट कर लेंगे, ये तो 35 पर है और ये 72.5 पर। तो हमारी वायर की लेंथ कितनी हो गई, 72.5 माइनस 35। जब हम एक रीडिंग ले लेंगे तो उसके बाद इसको की को वापस हटा के दूसरी तरफ रख लगा देंगे ताकि सर्किट जो है वो ऑफ हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लेंथ आई है 72.5 माइनस 35। तो इस रीडिंग से हम एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। लीस्ट काउंट जो हमारे स्केल की है वो है 0.1 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे सीजीएस यूनिट यूज करेंगे, इसलिए सारी रीडिंग सीजीएस यूनिट में रखेंगे। मास ऑफ द हैंगर विद बेस है हमारा 400 ग्राम्स, जो कि हमें गिवन है। सिर्फ हमने मास ऑफ द हैंगर की रीडिंग ली है, हमने एक्स्ट्रा मास कोई भी नहीं रखा था, तो मास ऑन द हैंगर जो था वो जीरो था। अब यहाँ पे जब हम इंक्रीज वेट इंक्रीज करते हुए रीडिंग लेते हैं वो नोट डाउन करते हैं, वेट डिक्रीज करते हुए रीडिंग्स यहाँ पर नोट करते हैं लेंथ की। लेकिन हमने सिर्फ एक ही रीडिंग नोट करी है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसके लिए हम यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो वो रीडिंग हमारी कितनी कितनी आएगी, 72.5 माइनस 35। तो वायर की लेंथ हमारी कितनी हो गई, यानी कि 37.5 सेंटीमीटर।
37.5 सेंटीमीटर, ये हमारी एक रीडिंग हो गई। जो डेंसिटी है वो हमें गिवन है कॉपर वायर के लिए, कॉपर की डेंसिटी होती है 8.9 ग्राम पर सीसी। जो हमने वायर यूज करी है उसकी हमें रेडियस भी गिवन है, वो है 0.035 सेंटीमीटर, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये हमारा फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/12 रूट टी बाई एम, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो हमारी वायर की फ्रिक्वेंसी जो आएगी रेजोनेंस जो एसी की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो रही है वो वाली फ्रिक्वेंसी होगी 1/12 एल, यानी जो ये जो हमारी वैल्यू आई है कैपिटल टी, जो कि टेंशन है। टेंशन हमने कितने अप्लाई कर रखी है, एम कितना मास हमने अप्लाई कर रखा था, खाली 400 ग्राम जो हैंगर का वो था मास, वो 400 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो की है 980 अपॉन में स्मॉल एम। स्मॉल एम है जो स्मॉल एम है वो है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉपर वायर। स्मॉल एम की वैल्यू जो है वो है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉपर वायर। तो ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल मास अपॉन वॉल्यूम। हमें मास पर यूनिट लेंथ चाहिए तो वॉल्यूम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया इनटू डेंसिटी, यानी कि स्मॉल एम इज इक्वल टू एरिया, एरिया हमारा कितना है पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डेंसिटी। अब हमें रेडियस और डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, ये पाई है, तो हम स्मॉल एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे स्मॉल एम की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है हमारी 0.035 स्क्वायर इनटू डेंसिटी, डेंसिटी हमारी है 8.9। तो ये जो वैल्यू हमारी एम की आई है, एम यानी मास पर यूनिट लेंथ जो कॉपर वायर का हमारा है जो हम वायर यूज कर रहे हैं वो वैल्यू है, ये वैल्यू कैलकुलेट होके आई है 0.034। तो अब हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्मॉल एम की वैल्यू हमारी 0.034 आई है। इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टेंशन यानी 980 इंटू 4 392 डिवाइडेड बाई 0.03। ये वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वो हमारी एसी मेंस की फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आई है 45.27 हर्ट्ज। यही हमारी वायर की फ्रिक्वेंसी है और ये रिजोनेंस हो रही थी इसकी एसी मेंस के साथ, तो यही हमारी एसी मेंस की फ्रिक्वेंसी मानी जाएगी। एसी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 50 हर्ट्स। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज एरर हो गया, 9.4%। तो ये लेस देन 10% है, और वैसे भी हमने सिर्फ एक ही रीडिंग ली थी। इस तरह से हम वेट इंक्रीज करते करते दो तीन रीडिंग्स और ले सकते हैं, वेट इंक्रीज करते करते दो तीन रीडिंग और ले सकते हैं, उस हिसाब से हमारा और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा और वो 50 हर्ट्ज की अराउंड ही आता है। तो यानी ये एक्सपेरिमेंट हमारा जो है, इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारी फ्रिक्वेंसी आई है वो आई है 45.27 हर्ट्ज। थैंक यू।